आज हम पहुंच चुके हैं सालासर महाराज के दरबार में। सालासर महाराज जो है भगवान हनुमान की बचपन की स्थली है। और यहाँ पर हमारे साथ है भाई विकास शर्मा जी, जिनका यहाँ पर दूध का काम है। और इनसे आगे आ जाइए थोड़ा सा, एक मिनट। बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत मंदूद है इनका। और मतलब गाय का शुद्ध दूध देते हैं, खिलाते हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को। अच्छा, एक और बात है जो विकास शर्मा जी की हमें बहुत अच्छी लगी, ये खुद पढ़े हुए नहीं है, सिर्फ दो ही दूसरी क्लास तक ही पढ़े हुए हैं। इनके गुड़िया है 7 साल की विकास जी, और ये अपनी पत्नी को देश की सबसे ऊंची परीक्षा सिविल सर्विस की तैयारी करवा रहे हैं, जो पिछले वर्ष 0.25 मतलब कब से तैयारी करवा रहे हैं आप मैडम को? 2 साल हो गए। 2 साल से क्या कोई कोचिंग वगैरह भी दिलवा रहे हो आप उनको? हाँ, पहले की थी कोचिंग। पहले यहीं पे सालासर में दिलवा रहे हो या बाहर? सिकर में। कितना समय देती हैं भाभी जी मतलब एग्जाम में की तैयारी के लिए, कितना समय निकाल पाती हैं तैयारी के लिए? हाँ जी, तैयारी के लिए सर निकाल पाती है तकरीबन 8-10 घंटे निकाल लेती है। 8-10 घंटे निकाल लेती है। आपने क्या सोच के मतलब उनको देश की सबसे ऊंची परीक्षा के लिए तैयार करने की सोची, मतलब कैसा क्या सोच कर किया आपने, कैसे निर्णय लिया? अगले की लगन थी, मर्जी थी, और मतलब मैडम की मर्जी थी, भाभी जी की मर्जी थी, उनकी इच्छा थी कि मैं जो है सिविल सर्विस की तैयारी करूं, और आपने उनके लिए मतलब तैयारी के लिए अनुमति दी और उनका सहयोग दिया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो गए। विकास जी के जज्बे को सलाम करता हूं। हमने एक कहावत सुनी है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इन्होंने वो कहावत झुठला दी है। ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हर सफल औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। धन्यवाद, बहुत मेहनती आदमी। जय श्री बालाजी महाराज की। बहुत जल्द आप हमें एक अच्छी खुशखबरी, हम भगवान से मतलब ये परमपिता परमात्मा से ये दरखास्त। तो ये देखिए दोस्तों, ये है विकास जी की दुकान, छोटी सी दुकान, लेकिन इनके हौसले जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बुलंद हैं, और वो हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत हैं। धन्यवाद।